हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने एक्टिविटी सेकेंड डॉट एग्जामल का हमने कोड क्रिएट किया था। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो एक्टिविटी सेकेंड डॉट एग्जामल है, इसका हम जावा कोड क्रिएट करने वाले हैं। तो एक क्रिएट करना काफ़ी ईजी है, तो हम क्रिएट किस लिए करेंगे, देखो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एक नई एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए। ओके, इसलिए हम डॉट जावा में एक कोड क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम सेकेंड एक्टिविटी डॉट जावा की तरफ। तो सबसे पहले आपको एरे यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखे होंगे एक्टिविटी सेकेंड डॉट एग्जामल में बहुत सारे यहाँ पे टेबल रो थे, ठीक है। तो इतने सारे रो को परफॉर्म कराने के लिए हमें यहाँ पे एक एरे यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले मैं इंट एरे यूज़ कर देता हूँ, बट आपको ध्यान में रखना है एरे को डिक्लेयर करने के से पहले हम टूल बार को यूज़ कर लेते हैं। ओके, क्योंकि टूल बार हमने यहाँ पे यूज़ किया था एक्टिविटी सेकेंड डॉट एग्जामल में। तो चलिए चलते हैं हम सेकेंड एक्टिविटी डॉट जावा में एंड टूल बार को हम डिक्लेयर कर देते हैं टूल बार। और आपको ध्यान में रखना है ये सेकेंड टूल बार को यूज करना है, फर्स्ट टूल बार को नहीं यूज करना है। एंड्रॉइड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट विजिट, ओके, एंड टूल बार इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टूल बार, क्योंकि हमने टूल बार की आईडी टूल बार ही दिए थे। ओके, एंड इसके बाद हमें सेट सपोर्ट एक्शन बार टूल बार को यूज करना है। तो मैं टूल बार को पास कर देता हूं यहाँ पे सेट सपोर्ट, सॉरी सेट एक्शन बार हो चुका है, सेट सपोर्ट एक्शन बार हमें यूज करना होगा। तो मैं सपोर्ट, ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे टूल बार फाइंड व्यू बार आईडी सेट सपोर्ट एक्शन बार। अभी हमारा एरर कंप्लीटली रिजोल्व हो चुका है। एंड जो यहाँ पे हमें शो हो रहा था एक्टिविटी सेकेंड डॉट एग्जामल में टूल बार, वो अभी हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हो मैंने टूल बार के लिए कोड लिख दिया है। अभी मैं एरे के लिए लिख देता हूँ, मीन्स एक्टिविटी सेकेंड डॉट एग्जामल के हर एक रो के लिए लिख देता हूँ। मैं डॉट जावा में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इंटीजर लिख देता हूँ एंड इंटीजर के बाद में यहाँ पे एक सिम्बॉल दे देता हूँ, ओके, एरे का। एंड इसके बाद हम न्यू एरे लिख देते हैं, न्यू एरे, बाद में हम सेमी कॉलम दे देते हैं। एंड अभी हम ऐप कॉम्पैक्टिविटी जो दिखाई दे रहा है इसके नीचे जो ऑन क्रिएट के मेथड हमें यहाँ पे लिखना होगा जो भी हमारा एरे रहेगा। तो सबसे पहले हमें इस नेम का यूज करना है, न्यू एरे। तो मैं न्यू एरे लिख देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू, स्मॉल न्यू लिखना है आपको एंड इंटीजर दे देना है इंटीजर। एंड इसके बाद में आपको इस सिंबल का यूज करना है, ओके, एंड इसमें सेमी कॉलम दे देना है। आपको इसमें आर डॉट आई डी डॉट सेट करना है, जितने भी हमने यहाँ पे आईडी दिए थे एक्टिविटी सेकेंड डॉट एग्जामल में। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमने इसको यूज़ किए थे माउंटेन क्लाइंबर को, सेकेंड इसको यूज़ किए थे, थर्ड इसको यूज़ किए थे, हमने एक एक करके यूज़ किए थे। तो आपको जो हमने यहाँ पे आईडी दिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमने कोई तो भी आईडी यूज़ किए थे, हाँ सबसे पहले हमने आईडी इसको दिए थे वो पॉस, इसको हमने आईडी दिए थे ब्रिज पॉस। ऐसे एक एक आईडी जो जो हमने यहाँ पे पेस्ट किए थे, तो एक एक आईडी को हमें एक्टिविटी सेकेंड में यूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले एक एक करके डिक्लेयर कर देता हूँ आर डॉट आईडी डॉट, सबसे पहले हमने बॉब पोस्ट बी ओ डब्ल्यू पोस्ट को यूज़ किए थे, इसलिए मैं इसकी आईडी दे देता हूँ। सेकेंड हम आर डॉट आई डी डॉट, और सेकेंड में हमने क्या यूज़ किए थे, तो मैं एक्टिविटी सेकेंड में चला जाता हूँ एंड सेकेंड में हमने यूज़ किए थे ब्रिज पोस्ट, ओके। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रिज पोस्ट कॉमा दे देता हूँ, अगेन हम एक्टिविटी सेकेंड में चले जाते हैं। एंड थर्ड के लिए देख लेते हमने क्या यूज़ किए थे, तो थर्ड में हमने चेयर पोज यूज़ किए थे, ओके। तो मैं चेयर पोज को लिख देता हूँ यहाँ पे आर डॉट आई डी डॉट चेयर पोज। तो आपको ध्यान में रखना है जो जो आपने यहाँ पे एक्टिविटी सेकेंड में आईडी दिए थे, उस आईडी को आपको सेकेंड एक्टिविटी में लिखते जाना है। तो मैं पूरे आईडी को लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। आर डॉट आई डी डॉट
तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पूरे एरे को आईडी को पेस्ट कर दिया है, जो जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी सेकेंड डॉट एक्सएमएल में यूज़ किए थे, एक एक करके मैंने 15 जितने भी एक्सरसाइज लिए थे उन सभी आईडी को सीक्वेंस वाइज मैंने यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल में, सेकेंड एक्टिविटी डॉट जावा मैंने लिख दिया है। ओके, जैसे हम एक्टिविटी वो पोस्ट फर्स्ट का था, सेकेंड का ब्रिज पोस्ट था, एंड लास्ट का जैसे लेक पोस्ट था, तो मैंने एक्टिविटी सेकेंड का मैंने ले लिया। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा अभी हम जो जो मैंने बताया। अभी आपको नीचे आ जाना है इमेज बटन ऑन क्लिक में, एंड इमेज बटन ऑन क्लिक में आपको एरे का यूज़ करना होगा। मैं आपको कुछ कोड बता देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर लूप में सबसे पहले इंटीजर यूज़ करना है आपको, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 कॉमा आई लेस देन न्यू एरे लेंथ, न्यू एरे डॉट लेंथ सेमी कॉलम आई प्लस प्लस। ओके, बट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कॉमा यूज नहीं करना है, सेमी कॉलम यूज करना है। एंड इसके बाद में आपको यू यू इफ, इसके बाद में आपको इस सिंबल का यूज करना है ब्रैकेट का, एंड बाद में आपको इफ का यूज करना है। इफ में आपको व्यू डॉट गेट आई डी यूज करना है, इज इक्वल टू न्यू एरे का यूज करना है, एंड आई का यूज करना है इसके बाद। ओके, बॉक्स देके आई का यूज करना है, एंड आपको अगेन सिंबल देना है। सिंबल देने के बाद आपको इंट वैल्यू लिख देना है, इंट वैल्यू इज इक्वल टू आई प्लस वन, इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है, एंड यहाँ पे लॉक लगा देना है, लॉक डॉट आई। आपको यहाँ पे फर्स्ट लिख देना है, कैपिटल में लिखना है, ये ध्यान में रखना है आपको फर्स्ट। आपको ऐसे कॉमा दे देना है, स्ट्रिंग का यूज करना है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यहाँ से आपको वैल्यू को पास कर देना है, जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू यूज किया था उस वैल्यू को यहाँ पे पास कर देना है। ओके, एंड यहाँ से सेमी कॉलम लगा देना है। उसके बाद में आपको इंटेंट यूज करना है, तो मैं इंटेंट यूज कर देता हूँ, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट, जिस एक्टिविटी में हो उस एक्टिविटी का नेम लिख देना आपको, सेकेंड एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, आपको किस एक्टिविटी में जंप करना है, तो थर्ड एक्टिविटी। तो हमने थर्ड एक्टिविटी अभी तक क्रिएट नहीं किए, तो हम थर्ड एक्टिविटी को क्रिएट कर देते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, एंड एम्प्टी एक्टिविटी को चूज कर देंगे, एंड यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी का आपको नेम एंटर कर देना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी, एंड फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है, एंड थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। आपको यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी लिख देनी है, तो मैं थर्ड एक्टिविटी यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, एंड डॉट क्लास, यहाँ से आपको सेमी कॉलम यूज कर देना है, एंड स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट को पास कर देना है, जो भी स्टार्ट एक्टिविटी रहेंगी उसमें। मैंने यहाँ से इंटेंट को पास कर दिया, तो अभी हमारा जो भी एरे का काम था वो कम्प्लीटली रिजोल्व हो चुका है। सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन कर दिए, एंड यहाँ पे टूल बार को यूज़ किए, एंड जो भी हमारी आईडी थी एक्टिविटी सेकेंड डॉट एग्जामल में, उन सभी आईडी को मैंने एक एक करके यहाँ पे लिख दिया है। एंड इसके बाद में हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिए। जैसे हम अभी एक्टिविटी सेकेंड डॉट एग्जामल पे क्लिक करेंगे, तो एक थर्ड एक्टिविटी न्यू ओपन हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन में कैसा विजिबल होगा जो भी हमने कोड किया है। तो मैं सबसे पहले मैं मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो अभी हमारा मोबाइल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ, तो ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुके हैं, एंड अभी थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंबल आ चुका है योगा डेमो ऐप में, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं,
जैसे हम इसमें क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने एक्टिविटी मेन में क्रिएट किया था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। एंड अभी हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था डॉट एग्जामल में एक्टिविटी डॉट एक्टिविटी सेकेंड एग्जामल में वो यहाँ पे विजिबल हो चुका है। एंड अभी हमने जो सेकेंड एक्टिविटी डॉट जावा में कोड किए थे वो अभी यहाँ पे हम कोड को जो भी हमने क्रिएट किए थे उसको हम देखते हैं अभी हमें क्या विजिबल हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो एक नई एक्टिविटी ओपन हो चुकी है। मीन्स यहाँ पे जो हमने लिखा था इंटेंट पास किए थे थर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास वो अभी क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि इसमें हम न्यू एक्टिविटी को कैसे ओपन करेंगे। तो मैं आपको डेमो ऐप दिखा देता हूँ सबसे पहले। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस एक्टिविटी कैसे ओपन कर सकते हैं। ओके, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने कोड बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो से ट्यूटोरियल सीरीज चाहिए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। एंड यहाँ पे क्योंकि ऐप से रिलेटेड ही वीडियो कंटेंट मिलते रहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।